आगरा में गोवान के राष्ट्रपति का आगमन के चलते कई पर्यटक बिना ताज दीदार के वापस लौटे हैं। ताजमहल का दीदार न करने को लेकर पर्यटकों के चेहरे पर मायूसी छाई रही। टिकट होने के बावजूद भी नहीं कर पाए ताज का दीदार। जानकारी न होने के चलते ताज देखने की सैलानियों की ख्वाहिश अधूरी रह गई। वहीं ये दोपहर 2 बजे तक सैलानियों को प्रवेश नहीं मिला है, क्योंकि गोवान के राष्ट्रपति का आवागमन था। ताजमहल देखने को आए हुए थे, इसको लेकर कई पर्यटक वापस हुए। हमने यहाँ पे आए थे, हमें पता नहीं था, एडवाइजरी भी नहीं थी कि यहाँ पे आज ताजमहल क्लोज रहेगा, तो पर पता नहीं अब क्लोज रहेगा। अब हमारा रात का रिजर्वेशन है, पैसे भी लग गए, सब कुछ खत्म हो गया, अब क्या करें, हम घूमना पड़ेगा। ये सब मिलकर हमको पागल बना रहे हैं। नहीं करवाया कुछ भी, हमको एडवाइजरी नहीं थी ना, कि नोटिस भी नहीं था कि आज ये है या नहीं है। हमको कट गया हमारा, मतलब क्या बताएं, चोट हो गई हमारे साथ। दिल्ली से। क्या लग रहा है आज आप ताजमहल देखने आए थे, दूर से ताजमहल देखने आए हैं? नहीं, बहुत बुरा लग रहा है। बच्चों के साथ आए हैं, फैमिली दो आई हैं, इतना ट्रैवल करके आए हैं, गूगल पे सर्च करके आए हैं, ओपन है। अब यहाँ आने पता चल रहा है कि जी VIP आए हैं, तो इसलिए बंद है। अच्छा, आपको पता नहीं था कि एक इन्फॉर्मेशन नहीं थी? नहीं, कहाँ से पता चलेगा बताओ, गूगल पे सर्च कर सकते हैं, न्यूज़ में देख सकते हैं, और कहाँ से पता करेंगे। किस तरह का एक्सपीरियंस देखने को? एक्सपीरियंस तो बेकार है इनको, तो जो इनके साइट है इनको डालना चाहिए कि आज आपको बंद रहेगा, क्लोज रहेगा, या कोई टाइमिंग ऐसी है। पर्यटक जो आ रहे हैं दूर से, अब उनके लिए तो बहुत दूर पर आता नहीं। अब आप क्या करेंगे सर? अब आसपास आगरा फोर्ट वगैरह देखेंगे और मन को समझाएंगे और जाएंगे आपसे। और भी कोई एक लेडीज़